हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं परमजीत आप लोगों का अपने चैनल यूनियन पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सब मिलकर संस्कृत की क्लास करेंगे, ठीक है। आज जो हम संस्कृत की क्लास करने वाले हैं बच्चों, वो क्लास 10 की है। ओके, क्लास 10 की है। अभी की जो वीडियो है, इससे पिछली वीडियो जो थी, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी आप लोगों के लिए, वो क्लास 10 की चैप्टर 3 की वीडियो थी। और आज जस्ट उसके बाद का चैप्टर जो है चतुर्थ पाठ, ठीक है, शिशु लालनम, आज हम इस पाठ को देखेंगे, ठीक है बच्चों। बच्चों, आप लोगों के सामने जो पाठ आप लोगों को दिख रहा है, चतुर्थ पाठ शिशु लालनम, ये पाठ क्लास 10 के चैप्टर 4 का है, ठीक है। और CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए और जैक बोर्ड के दोनों पैटर्न के बच्चों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, पाठ को समझने का प्रयास कीजिए। बच्चों, आपके सामने जो उद्धृत पाठ है शिशु लालनम, इसमें बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन दिखाया गया है, बातचीत बताई गई है, दो लोगों के बीच का कन्वर्सेशन को बताया गया है, जिसको समझना बहुत ही ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो संस्कृत के जितने भी वार्तालाप यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, भगवान राम और उनके दो भाई और उनके पिता, इन लोगों के बीच में जो भी बातचीत हो रही है, उनके साथ हम जो इनका वार्तालाप है, इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चों। इसका मैं पूरा का पूरा हिंदी अनुवाद आपको बता दूंगी, ताकि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। बच्चों, वीडियो के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज हम अपने पाठ को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम, जैसे कि मैं हमेशा पाठ का परिचय बता देती हूँ, उसी तरह से पाठ का परिचय देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। प्रस्तुतोऽयं पाठ दिङ्नाङ् विरचितिः संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाटक नाट्यग्रन्थ कुन्दमाला इत्यतः पञ्चमात्कात् सम्पादनं कृत्वा संकलयति अस्ति। अत्र नाटकस्य रामः स्वपुत्रो लवकुशो सिंहासनम् आरोहितुम् इच्छति, किन्तु उभापि सविनं तं निवारयतः। सिंहासनारूढः रामः अभयो रूपलावण्यं दृष्ट्वा मुग्धः सन् स्वक्रोडे गृहति। पाठेस्मिन् शिशुवाल्तस्य मनोहारवर्णं विघते। बच्चों, ये जो वार्तालाप आपके सामने अभी प्रस्तुत होने वाली है, ये वार्तालाप भगवान श्री राम और उनके दो पुत्र लव और कुश के बीच की है, ठीक है। तो जो भी प्रस्तुत पाठ आपके सामने आया है बच्चों, जो शिशु लालनम जिसका नाम है, वो दिङ्नाङ् द्वारा संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ कुन्दमाला के पंचम अंक के अंक से संपादन करके लिया गया है, ठीक है। यहाँ नाटक के अंश में राम अपने पुत्रों लव और कुश को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, ठीक है, किंतु वे दोनों विनम्रतापूर्वक उसको मना करते हैं, अपने पिता को मना कर देते हैं सिंहासन पर बैठने के लिए। सिंहासन पर बैठे हुए राम दोनों के सौंदर्य को देखकर मुग्ध होकर अपने गोद में बैठाते हैं, ठीक है। और इस पाठ में शिशु प्रेम का मनोहर वर्णन किया गया है, जिसको आज आप पढ़ेंगे वार्तालाप के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंहनादनस्थ राम ततः प्रविशतः विदुषकेनो पदिश्यामना मान मार्गो तापसो कुशलवो। मतलब सिंहासन पर बैठ पर राम बैठे हुए हैं, फिर भांड के द्वारा, जो भांड होता है, भांड के द्वारा दिखाए हुए रास्ते वाले तापसी लव कुश प्रवेश करते हैं, ठीक है। मतलब वे लोग, भांड किसको कहा जाता है, भांड उसे कहा जाता है बच्चों कि जो किसी भी कुल का खानदान का इतिहास जानते हैं, उसके बारे में उसको बताते हैं और वो लोग गाते हैं, यहाँ पे भांड इसे कहा गया है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। सबसे पहले विदूषका, ठीक है, विदूषका क्या बोल रहा है, इत आर्यो, मतलब इधर से आर्य, यहाँ से, उन्हें रास्ता दिखाते हुए बता रहा है। कुशलवो रामम अपसृत्य प्रमणम च अपि कुशलम महाराजस्य, ठीक है। लवकुश पास आकर और राम को प्रणाम करके बोलते हैं, क्या महाराज की खैरियत है, ठीक है। तो राम यहाँ पे बताया गया है, मतलब बच्चों की तरफ से राम को बताया गया है कि तुम्हारे दर्शन से कुशल प्रतीत होता है, क्या हम आपके कुशल प्रश्न के ही भाजन हैं, फिर से अतिथि जन के योग्य गले लगने का
नहीं मतलब दिल पर असर करने वाला स्पर्श हो जाता है, मतलब कि जब राम ने उनको गले लगाया, जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि युष्म दर्शनात् कुशलमेव भवतो किं वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव न पुनरिथि चन जन समुचितस्य कंठालेशस्य परिष्वंज अहो हृदय ग्राही स्पर्श। मतलब कि तुम्हारे दर्शन से कुशल प्रतीत होता हूँ, क्या हम आपके कुशल प्रश्न के ही भाजन हैं, उन्हें बताया पूछ रहे हैं। आहा, आपका जो ये दिल पर असर करने वाला जो स्पर्श है, जो आप गले लग रहे हो, ये बिल्कुल दिल पर असर करने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जाता है, अभो, ठीक है। अभो का मतलब होता है दोनों। राजा सन खेलतंत न युक्त मध्यासी तुम, मतलब कि निश्चित रूप से यह राजा का सिंहासन है, यह बैठने के युक्त नहीं है, ठीक है। उसके बाद राम क्या बोलते हैं, राम सव्यवधानम न चारित्र लोपाय तस्मादक्य व्यवहित मध्यास्तयाम सिंहनम, ठीक है। मतलब प्रतिष्ठा का विनाश ना हो, इसीलिए गोदी में बैठिए, सिंहासन बाधित है, ठीक है। उसके बाद अंग मुपेश्यति, मतलब गोद में बिठाते हैं, ठीक है, उन्हें गोद में बिठा लिया जाता है। उसके बाद बच्चों अभो अनिच्छाम नाट्यतः राजन, उन्हें बोल रहे हैं अनिच्छा से नाटक करते हैं, राजन ज़्यादा कुशलता मत करें, ठीक है। राम क्या बोलते हैं, रामा क्या बोलते हैं, अलमति शालिन्यता भवती शिशुजन्यो वयोनुरोधात गुण महतापि लालनीय एव व्रजति हिमकरोपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतक कछंद दम, ठीक है। मतलब ज़्यादा, मतलब राम क्या बोलते हैं, अलमति शालियंता, मतलब शर्म मत करो, ठीक है। और उन्हें कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि गुणी महान लोगों के लिए भी छोटी उम्र के वजह से शिशुजन प्यारे होते हैं, बाल भाव से ही चंद्रमा भी शिव जी के मस्तक पर केतकी के फूलों से निर्मित आभूषणों की भांति सुशोभित होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है कि रामा क्या बोल रहे हैं, एष भवतो सौंदर्या वलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रियकुल पितामह यो सूर्यचंद्रयो को वा भवतोर्वश्य कर्ता। मतलब कि आपके यह सौंदर्य को देखने से उत्पन्न जो जिज्ञासा से वो पूछता हूँ, ठीक है, क्या पूछता हूँ कि क्षत्रिय कुल पितामह सूर्य या चंद्र आपके वंश के निष्पादक कौन हैं, ठीक है। तो लव क्या बोलते हैं, भगवन सहसंधिति, मतलब सहसंधिति इसका मतलब भगवान सूर्य, ठीक है। राम क्या बोलते हैं, कतमथस्य माना विजनो संवृतो, मतलब तुम दोनों किस तरह हमारे समान कुल में उत्पन्न हो गए। विदूषका क्या कह रहे हैं, किम द्योरोपिकेमेव प्रतिवचनम, मतलब क्या दोनों का उत्तर एक ही है। तो लव क्या जवाब देते हैं, भ्रातरावाम सौंदर्याम, हम दोनों सगे भाई हैं, मतलब विदूषक को ये बात बता रहे हैं कि हम अपने सगे भाई हैं, ठीक है। फिर रामा क्या बोलते हैं, समरूप सरीस सन्निवेश वश सत्तु न किंजी दंतरम, लव क्या कहते हैं, आवाम यमलो, मतलब शरीर, राम क्या कहते हैं, शरीर की बनावट भी एक जैसी है, आयु का तो कुछ अंतर ही नहीं है। लव क्या कहते हैं, हम दोनों जुड़वा हैं, यमलो का मतलब क्या होता है, जुड़वा, ठीक है। रामः संप्रति युज्यते किम नाम धेयम, अब सही है, क्या नाम है तुम लोगों का, राम उन लोगों से प्रश्न करते हैं। तो लव क्या कहते हैं, लव आर्यस्य वंदनायम लव इत्यनाम मानम श्रावयामि कुंशम निदस्य आर्योपि गुरुचरणम वंदनायम, मतलब लव क्या कहते हैं, आर्य की वंदना में लव ऐसा खुद को सुनाता हूँ, कुश को निर्देश करके आर्य की गुरुचरण वंदना में, ठीक है। कुश क्या कहते हैं, अमपि कुश इत्यमानम श्राम्यामि,
मतलब मैं भी कुश इस नाम से अपने आप को सुनाता हूँ, मतलब दोनों ही अपने नाम का परिचय देते हैं अपने पिता को, ठीक है। रामा, अहो उदात्त रम्य समुदाचार किम नाम धेयो भवतो गुरु, मतलब अहो बहुत ही हर्षजनक शिष्टाचार, क्या नाम है आपके गुरु का, गुरु का नाम पूछते हैं, ठीक है। लव और कुश से भगवान राम उनके गुरु का नाम पूछते हैं, तो लव क्या कहते हैं, लव कहते हैं ननु भगवान वाल्मीकि। रामा केन संबंधेन, मतलब लव क्या कहते हैं, निश्चित ही भगवान वाल्मीकि हैं। तो राम ने कहा किस संबंध के द्वारा, तो लव उपनयनो पदेशेन, मतलब उपनयन की दीक्षा के द्वारा, ठीक है। फिर रामा क्या कहते हैं, अहमत्र भवतो जनकम नाम तो वेदी तुमी गच्छामी, मतलब यहाँ मैं आपके पिता का नाम जानना चाहता हूँ, राम उनसे कह रहे हैं, ठीक है। तो लव क्या कहते हैं, नहीं जानस्य नाम धेयम न कश्चिदस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, मतलब कि मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, इस तपोवन में उनका नाम कोई नहीं लेता। रामा अहो मातामयम, वह श्रेष्ठता, बहुत ही अच्छी बात है। कुश जान्याहम तस्य नामधेयम, लव ठीक है क्या कहता है, मैं जानता हूँ उनका नाम। तो राम क्या कहते हैं, कथयाताम, मतलब बोलो। तो कुश निरंकुश क्रोशो नाम, मतलब बेरहम, बेरहम नाम है उनका, ठीक है। तो रामा वश्य वयश्य अपूर्व खलु नामधेयम, मतलब मित्र निश्चय ही अजीब सा ये नाम है आपके पिता का, जो नाम है ये बहुत ही अजीब सा है कुछ, ठीक है। तो विदुषक विचिन्त्य एव तावम पृच्छामि निरनुक्रोश इति क एवं भवन्ति कुश अम्बा, मतलब विदुषक सोचकर ऐसा है जब पूछता हूँ बेरहम ऐसा कौन बोलता है, कुश ने कहा माँ, कुश ने बताया कि माँ ऐसा बोलती है कि वो निरंकुश है, ठीक है। विदुषका किम कुपिता एवं भंती उत प्रकृतिस्था, क्या क्रोधित रूप में ऐसा कहती है या प्राकृतिक रूप से, विदुषक उन लोगों से प्रश्न कर रहा है। कुश बोलता है यदा वयो बाल भव जनतिम किंज दविनियम नियम पश्यति तदा एवं अधिक्षिम्पति निर्नु क्रोशस्य पुत्रो मा चापलम इति, कुछ बोलते हैं यदि हम दोनों के बाल स्वभाव से कुछ बदतमीजी दिखती है तब ऐसा डांटती है कि बेरहम के पुत्रो चंचलता मत करो, इस तरह से माँ हमें बोलकर संबोधित करती है। विदुषका एत्यतो यदि पितु निरंकुश क्रोश इति नामधेयम एत्योर जननी तेनाव मानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारको निर्भतस्यति, मतलब कि यदि इन दोनों के पिता का नाम बेरहम है तो इन दोनों की माता उसके पिता के द्वारा अपमानित होकर घर से निकल गई होगी, इसीलिए इस वचन से दोनों पुत्रों को डांटती है। रामा क्या बोलते हैं, स्वागतम धीण मामे बभूतम सा तपिश्विनी मत कृतेन प्राधेन स्वापत्यमेवम मयुंग भरंग छरेंग निर्भिंग यश्यति, मतलब राम अपने मन में इस तरह मुझे धिक्कार है, वह तपिश्विनी मेरे किए गए दुराचार से अपने संतान को ऐसे क्रोध भरी बातों से डांटती है, ठीक है। उसके बाद सौवास्प वलोक यति, मतलब आंसू भरे आंखों से देखते हैं अपने दोनों पुत्रों की तरफ, ठीक है। रामः अति दीर्घ प्रवासोयम दारुश्च विदूषक वल्क्यम जनांतिकम, ठीक है, मतलब कि यह राम क्या बोलते हैं, कौतूलेना विष्टो मातर मनोर मतो वेदुति मिच्छामि न युक्तम च स्त्रीगत मनुयुक्तम वे विशेष तस्य पोवने त कोत्रा भ्युपाय, मतलब
यह बहुत लंबा और कठोर स्थानांतरण गमन है, यानी विदूषक को देखकर इशारा से जिज्ञासावश मैं इनकी माता का नाम जानना चाहता हूँ और स्त्रियों के लिए वहाँ रहना उचित नहीं है, विशेषकर तपोवन में। तब यहाँ क्या उपाय है? ये राम भगवान जी बोल रहे हैं विदूषक से। ठीक है, तो विदूषक क्या कहते हैं? अहम पुनः पृच्छामि किम नामधेया युवजो जननी। ठीक है, तो विदूषक से वो बोलते हैं कि नाम पूछने के लिए बताया, मतलब विदूषक से वो बोलते हैं कि मैं बता रहा हूँ कि क्या है नाम क्या नहीं। ठीक है, तो वो मैं फिर से पूछता हूँ कि क्या नाम है तुम दोनों की माता का। लव ने कहा, तपोवन वासिनो देवीति नाम्यानयन्ति भगवान वाल्मीकि किर्वम धुरति राम अपि च इस्तावद वश्य मुहूर्त मात्रम। मतलब लव, इनके दो नाम है विदूषक। इस तरह कैसे? तो विदूषक आज्ञापयतु भवान। विदूषक जो है वो आज्ञा लेता है। ठीक है, तो क्या लेता है? आज्ञा मांगता है कि मैं किस तरह से पूछता हूँ कि नाम के बारे में किस तरह से मुझे पता चलेगा। ठीक है, तो नाम के बारे में पूछने का प्रयास करता है लव और कुश से। ठीक है, तो लव बताता है कि तपोवन में रहने वाली देवी नाम से सभी आह्वान करते हैं, भगवान बालकी वधु, उन्हें वहाँ भगवान बालकी की वधु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद रामा अपि कुमारयोर नरयोरस्माकं च सर्वथा समरूप कुटुंब वृंतात। मतलब राम कहते हैं कि और इधर से भी मित्र कुछ समय के लिए। ठीक है, विदूषक नज़दीक जाकर आप आज्ञा दीजिए, उनसे परमिशन ले लेते हैं। उस तरह से फिर पूछते हैं, क्या इन दोनों बालकों का और हमारे परिवार की कहानी पूर्ण रूप से एक जैसी है? अब राम भगवान जी जब उन बच्चों की, दोनों बेटों की बातों को सुनते हैं, तो उन्हें कुछ अपने घर की कहानी की जैसी कहानी प्रतीत होती है। जब उन दोनों के मुख से ये सारी बातों को वो सुनते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये कहीं हमारे घर की कहानी से मिलती जुलती तो नहीं। ठीक है, इस तरह से वो बोलते हैं। उसके बाद अभो राजन उपाध्युत दुष्मान तत्वरित राम मयापि सम्माननीय एव मुनि नियोग तथा ही भवंतो गायंतो कविरिपि पुराणो व्रत निधिर गिराम संधोर्भ्यम प्रथम वर्तिनो वस्तुतिम कथा चेयम श्लाघया सरसिरुघं नाभस्य नियतम पुनाति श्रोतारम रम्यति च सोयम परिकरः। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि राम भगवान जी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि आप दोनों गाने वाले हैं, तप के सागर पुराण मुनि वाल्मीकि कवि भी हैं। ठीक है, धरा पर प्रथम बार अवतरित संवादशील वाणी का यह संदर्भ है और यह सराहनीय कथा कमलनाभि विष्णु से संबंधित है। ठीक है, और वह यह पारिवारिक जन निश्चित रूप से श्रोताओं को प्रसन्न करने वाला है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आगे क्या है कि वयसस्य अपूर्वयम् मानवानम् सर्वश्वतावतारः तदहम् सुजन्य साधारणम् श्रोतुमिच्छामि संधिन्ध्यातनम् सभा सदः प्रेष्य मदस्य दिंकम् सौमित्री अहम् वते योऽस्ति चरा सन् परिखेदम् विहरणम् कृत्वा अपीन यामि। मतलब कि मित्र, मानवों का यह सरस्वती अवतार असाधारण है, तब मैं दोस्तों को और लोगों को सुनाना चाहता हूँ, नज़दीक आओ सभासदो, लक्ष्मण को हमारे पास भेज दो, मैं भी इन दोनों के लंबे वक्त के दुख को दूर करके लाता हूँ। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका यहाँ पाठ जो है, ये जो वार्तालाप है भगवान श्री राम और लव कुश के बीच और विदूषक में, बीच में एक पात्र दिया गया है जो विदूषक का है, उन लोगों के बीच की जो वार्तालाप है, जो कि भगवान राम अपने दोनों पुत्रों से परिचित ना रहते हैं और ना ही दोनों पुत्र अपने पिता से परिचित होते हैं, और दोनों के बीच में वार्तालाप होती है, वे उन लोगों से अपने पिता के बारे में इस तरह की बातें बताते हैं, अपनी माँ के बारे में बातें बताते हैं कि हमारी माँ ऐसा कहती है, हमारी माँ ने ये कहा, हमारी माँ ने वो कहा, तो उन दोनों के बीच की जो वार्तालाप है वो मैंने आपको समझाने की
का पूरा पूरा प्रयास किया। आपका पाठ यहाँ समाप्त होता है बच्चों। पाठ को समाप्त करने के बाद पाठ में दिए गए शब्दार्थों को हम देखते हैं। चलिए शब्दार्थ को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि क्या है। पितामह, पितामह का मतलब होता है पिता के पिता यानी ग्रैंडफादर। सस्त्रीधिति मतलब सूर्य सन, ठीक है। कंठाश्लेष्य मतलब गले लगाने का हग। परिस्वज्य मतलब आलिंगन करके। विचिन्त्य मतलब विचार करके। अध्यासितुम मतलब बैठने के लिए। शव्यवधानाम मतलब रुकावट सहित, ठीक है। अध्यास्यायताम मतलब बैठिए। अलमति दक्षिणेन मतलब अत्यधिक दक्षता अधिक कुशलता नहीं करें। अंकम मतलब गोद में। हिमकरह मतलब चंद्र चंद्रमा। पशुपति शिव, ठीक है। केतक छद्म मतलब केतकी, केवड़े के पुष्प से बनी मस्तक की शोभा। स्वागतम मतलब मन ही मन। सभाना विभोजन विभीजनों एक कुल में पैदा होने वाले, ठीक है। समृतो मतलब हो गए। प्रतिवचनम मतलब उत्तर, ठीक है। सौंदर्यो, सौंदर्यो का मतलब है सहोदर यानी सगे भाई। शरीर सन्निवेश शरीर की बनावट। उदात्तरम्य अत्यधिक मनोहर। समुदाचार शिष्टाचार। उपनयनोपदेशेन मतलब उपनयन की दीक्षा के कारण, ठीक है। नामधेयम मतलब नाम। निर्नुक्रोश मतलब दया रहित। वैश्य मतलब मित्र। भंटी मतलब कहता है। अम्बा मतलब माता। उत का मतलब होता है अथवा। प्रकृति स्था मतलब स्वाभाविक रूप से। अधिक्षी पति मतलब फटकारती है। चापलम मतलब चंचलता को। अवमानिता मतलब अपमानित। दारको मतलब दो पुत्रों को, ठीक है। उसके बाद है निर्भस्तयति मतलब धमकाती है। निस्वस्व दीर्घ श्वास लेकर। स्वापत्यम अपनी संतान को, ठीक है। बच्चों यहाँ तक आपका शब्दार्थ जो है वो पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। शब्दार्थ को पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चों। अब हम देखेंगे कि आपको ये पाठ पूरी तरह से समझ में आया कि नहीं आया। बच्चों मैंने अपनी तरफ से पूरा का पूरा पाठ आपको संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करके समझाने का प्रयास किया। जो वार्तालाप का पाठ होता है, जो कन्वर्सेशन का पाठ होता है, उसे ध्यान से समझने की ज़रूरत होती है, ध्यानपूर्वक सुनने की ज़रूरत होती है, तभी पूरा का पूरा पाठ बच्चों समझ में आता है, ठीक है। बच्चों आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बच्चों अगर आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है बच्चों। और आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, शुरू से अंत तक आपने इतने अच्छे से पाठ को देखा, समझने का प्रयास किया, इसके लिए मैं परमजीत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पंचम पाठ लेकर के आऊँगी, ठीक है। इसी तरह जिस तरह से मैंने प्रथम द्वितीय तृतीय पाठ को आपके लिए आपका पूरा कंप्लीट करवाया, उसी तरह से मैं आपका पंचम पाठ भी आप लोगों के लिए वीडियो में बना करके आप लोगों के सामने अच्छी तरह से समझाऊँगी, ठीक है बच्चों। इसी तरह से आप चैनल के साथ बने रहिए और सारी की सारी वीडियो आने वाली इस चैनल पर जितनी भी वीडियो हैं सबको अच्छी तरह से देखिए, सबको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। मैं परमजीत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज की वीडियो में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर बच्चों।